अब I just don't feel like that I'm an asthmatic patient anymore. And this motivation होना चाहिए कि overcome करना इन सब चीजों, बिल्कुल भी नहीं डरना. ये है 16 साल के रोहन सक्सेना, जिन्हें 3 साल की उम्र से अस्थमा की शिकायत है. हालांकि उन्हें इस बीमारी को समझने में कुछ साल लगे. मुझे सबसे पहले मेरी मम्मी और पापा ने बताया था कि मुझे अस्थमा है. जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था तो हमारी एक पीडी होती थी, जिसका मीनिंग है फिजिकल डेवलपमेंट. तो बेसिकली वार्म अप के लिए हमें एक राउंड लगवाते थे सबसे पहले. ऑब्वियसली आई स्टार्टेड रनिंग. उसी मोमेंट पे आई फेल्ड कि मेरे सांस उखड़ है मेरा एंड ब्रेथलेस फील हो रहा है. सो फिर आई टोल्ड माई टीचर एंड दे कॉन्टेक्टेड माई पेरेंट्स, मम्मी पापा को बताया. एंड फिर हम डॉक्टर के गए तो उन्होंने बोला कि बेसिकली इमरजेंसीज ले मुझे एक एस्थेनिन इन्हेलर यूज़ करना होता है, जिससे कि बेसिकली हम स्टेबलाइज हो जाते हैं, हमारे लंग्स स्टेबलाइज हो जाते हैं. सो डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया था. रोहन अकेले नहीं है. ग्लोबल अस्थमा रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारत में 3,50,00,000 लोगों को अस्थमा है. अस्थमा से पीड़ित मरीज को सांस लेने में दिक्कतें आती हैं. अस्थमा एक कंडीशन है जिसके अंदर की आपका सांस का रास्ता नॉर्मल से ज़्यादा सूजित हो जाता है किसी प्रकार की हवा के एक्सपोजर से या किसी प्रकार के कण के एक्सपोजर से, जिससे कि सांस के रास्ते में सूजन आती है और हवा की आवाजाही में दिक्कत होती है. ये बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कभी भी शुरू हो सकता है और ये एक तरीके की एलर्जी है. तो मैं आज के डेट में इसको बीमारी नहीं कहूँगा, ये एक तरीके का कंडीशन है जिसके अंदर की आपका जो शरीर है उसका रिस्पांस नॉर्मल व्यक्ति से थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको हमें उसी ढंग से लेना चाहिए. फुटबॉल, क्रिकेट और खाना बनाने का शौक रखने वाले रोहन लगभग 8 साल से एलर्जी की दवा भी ले रहे थे, लेकिन फिर अपने पेरेंट्स के सपोर्ट और अपनी इच्छा शक्ति से उन्होंने अस्थमा पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की. टिल 9th स्टैंडर्ड मैंने एक एंटी एलर्जिक टैबलेट जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी थी वो खाई. फिर एक दिन मैंने ऐसा एक ट्राई किया कि मैं एंटी एलर्जिक टैबलेट वो ना खाऊं. फिर मैं अगले दिन उठा एंड मेरे को कुछ फीलिंग नहीं हुई कि मुझे कुछ अस्थमा वाली ऐसी कोई फीलिंग आ रही है. फिर मैंने यही प्रोसेस एक्चुअली 2-3 फिर सेकेंड थर्ड दिन तक ऐसे ट्राई किया एंड मैंने मम्मी पापा को बताया था कि मैं दवाई नहीं खा रहा. फिर हम डॉक्टर के पास गए एंड ही प्रिस्क्राइब्ड एन एंटी एलर्जी टैबलेट ओनली फॉर SOS, ओनली जस्ट फॉर इमरजेंसी. मेरे अंदर ये फीलिंग थी जो 10th बोर्ड का प्रेशर आएगा उससे मेरी एनजाइटी से मेरा एस्थमा अटैक ट्रिगर ना हो जाए गलती से. एट द टाइम ऑफ 10th मेरे हाफ ईयरली चल रहे थे. फर्स्ट हाफ ईयरली जब स्टार्ट हुआ था मुझे अंदर से वो स्ट्रेस आने लग गया. फिर से जब मैं सो रहा था तो आई फेल्ट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. तो फिर आई क्विकली कॉल्ड माई मॉम एंड शी टोल्ड मी दैट आई शुड हैव दैट SOS इमरजेंसी वाली टैबलेट. देन आई हैड दैट. फिर सेकेंड हाफ ईयरली वाले पे भी ये हुआ. फिर से मुझे ये थिंकिंग आई कि हाँ ये वापस स्टार्ट हो रहा है, मुझे ये रोक देनी चाहिए बिल्कुल. थर्ड जब हाफ ईयरली हुआ उस रात से पहले मैंने टैबलेट नहीं खाई थी. मम्मी ने बोला था कि हाँ खाओ पर मैंने नहीं ली थी. मैं गया एग्जाम के लिए, मैंने एग्जाम वगैरह दिया एंड आई वाज बिल्कुल बिल्कुल फाइन था. यू शुड हैव दैट कि अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए कि ओवरकम करना इन सब चीज़ों, बिल्कुल भी नहीं डरना. कभी भी कुछ स्ट्रेस लेवल से होता था कि एग्ज़ाम है या फिर थोड़ा सा हुआ है तो मैं कुकिंग करता था क्योंकि उससे थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता था, क्योंकि मेरे माइंड बेसिकली फिर कुकिंग पे सेट रहता था कि हाँ इससे बेटर होगा एंड एस्थमा वाली फीलिंग कम होती है. रोहन की माँ भी अस्थमा की मरीज हैं और वो कहती हैं कि जब जब प्रदूषण बढ़ता है वे अपने बेटों को लेकर चिंतित हो जाती हैं. जब बहुत ज़्यादा दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ गया था, मैं थोड़ा सा आ गया था कि भाई बच्चों को स्कूल मास्क पहन के जाना पड़ेगा एंड उस वक्त जबकि कोरोना वगैरह नहीं था तभी था कि मास्क पहन के जाएंगे, तो एक फियर फैक्टर आ गया था कि ये क्या है, हम बच्चों को मास्क पहन के स्कूल पहना के बच्चों को स्कूल भेजेंगे.
हाँ बट सही था क्योंकि पोल्यूशन लेवल्स इतने हाई थे कि एस्मा में तो और भी ट्रिगर करता है, वो एक टेंशन फैक्टर था हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कि उसको बाहर भेजेंगे, उसको अटैक ना आ जाए। हालांकि इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन दवाओं और कसरत से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अभी जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आया हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स को सजेस्ट किया कि मुझे जिम जाना चाहिए। फिर हम डॉक्टर के पास गए एंड ही सेड हाँ यू कैन गो टू द जिम एंड माय पेरेंट्स आल्सो एग्रीड। तो जिम जब मैं गया, आई स्टार्टेड माय वर्कआउट्स एंड ऑल, मुझे पता था कि शायद से हो ट्रिगर हो, बट बहुत एक दो हफ्ते बाद आई डेंट फील है कि कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेस मेरे को एस्थमा एज सच ट्रिगर हो रहा है। आई वुड से कि मेरा एस्थमा बहुत बेटर हो चुका है एंड आई एम वे बेटर दैन आई वाज बिफोर। राइट, जैसे वो बच्चा कर रहा है उस तरीके से जिन लोगों को अस्थमा है उनको व्यायाम ज़रूर करना चाहिए और उसके अंदर फेफड़े फुलाने वाले एक्सरसाइज और वो जो चीज़ें जैसे जिम जा रहे हैं या सैर कर रहे हैं वो सारी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, बट साथ में एहतियात बरतना चाहिए कि अगर दिक्कत हो रही है तो कुछ दिन के लिए या कुछ समय के लिए आप रोक दें। ज़रूरी है कि हिदायत के साथ अगर कोई दवाई दी गई है उसका पूरा समय लेके उसको फिर ही बंद करें। और दूसरा कि अगर आप इस तरीके के प्रदूषण वाली जगह में जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एहतियात बरतना होगा।